नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान कोबरा निकल गया। सड़क पर आने जाने वालों का रास्ता रोक लिया, देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोबरा इतना गुस्से में था कि फनफलाकर बैठा हुआ था, लोग आवक होकर तमाशा देखते रहे। इस दौरान दारोगा साहब भी हैरान हो गए, जिसके बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग ने रेस्क्यू कर कोबरा को जंगल में छोड़ा। औरैया में युवती की हत्या कर खेत में शव फेंक दिया गया, जिसके बाद दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी मौके पर पहुंचे, युवती का शव खेत में मिला है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को उठाने का आरोप यहां पर जो परिजन हैं वो लगा रहे हैं कि जल्दबाजी में आरोप लगाया गया है, और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। दिव्यापुर के निरंजनापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की इकट्ठा हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव के बाद जिला पंचायत सदस्यों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस चुनाव में बीजेपी के 16 जिला पंचायत सदस्यों ने जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय सहित बसपा और कांग्रेस के 12 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की होड़ लग गई है। भाजपा में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर खुशी जताते हुए हरिद्वार जनपद के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और शुभकामनाएं दी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार हरिद्वार की जनता ने भाजपा को बड़ी संख्या में जीती है। इसके लिए उन्होंने सभी मतदाताओं का आभार जताया, पूरी लगन के साथ हरिद्वार की जनता की सेवा करने का वादा भी किया। हरिद्वार की महान जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, और हम हरिद्वार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। और अगर और ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा से जो उन्होंने हमको अपने मत और समर्थन के रूप में दिया है, सेवा के रूप में उसको परिवर्तित करेंगे। ममता राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल दो कारणों से करता है, या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो, वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। हरदोई में लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। पैमाइश के नाम पर लेखपाल रुपया ले रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। खेत पर खाद डालने जा रहे किसान से लेखपाल ने रोक लिया उसे और फिर उसके बाद पैसे लिए हैं। तस्वीर आपके सामने। विकास खंड अहिरोही के कुआमऊ सिमरौली निवासी संदीप से रुपये लेने का वीडियो वायरल हुआ है। लेखपाल सुरेंद्र कुमार अहिरोही के कई ग्राम पंचायतों में तैनात है। लेखपाल ने कानून को तहसीलदार एसडीएम तक रुपये पहुँचाने की बात भी कही है। फरुखाबाद में तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक सवार पर तीन लोगों में से एक युवक की मौत हो गई है, दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। राहगीरों की मदद से उन्हें सीएससी कायमगंज भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर थी, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक युवक के परिजन पहुंचे। घटनास्थल पर मृतक युवक के परिजनों का रोककर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जांच में गए पुलिस दल से महिलाएं भिड़ गई। इस दौरान जमकर गाली गलौज मारपिटाई हुई है, घटना के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। मामला नकासा थाने के गांव खानपुर खुमार का है, जहां आईजीआरएस के प्रधान पत्र की जाँच को थाने का पुलिस दल गया था और पुलिस के घर में घुसने से महिलाएं खफा हो गई और उसके बाद मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है, वीडियो भी सामने आया है।
थाना नखासा के अंतर्गत ये जानकारी कल प्राप्त हुई थी कि पुलिस की एक टीम एक IGRS प्रार्थना पत्र की जांच के लिए गांव में गई थी। वहां पर कुछ महिलाओं के द्वारा व उसके साथ के कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम के साथ अभद्रता व मारपीट की गई। इस मामले में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संभल में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सड़क पार करते वक्त दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दो बच्चे, दो महिलाएं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक बाइक पर बच्चों सहित 5 लोग सवार थे, दूसरी बाइक पर 2 लोग सवार थे। एक SWAT एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रजपुरा थाना क्षेत्र के सिघौली चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संभल में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, पुलिस मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। घटना रजपुरा थाना इलाके में संभल अनूपशहर रोड के मशरा भोतपुर के जंगल की है, जहां टी पॉइंट पुलिस चौकी से करीब 12 किलोमीटर दूर रोड के नीचे जंगल में 22 साल का ये युवक बताया जा रहा है, जिसका शव है। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई है। थाना रजपुरा के ग्राम भोतपुर में एक टी पॉइंट रोड के निकट एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। शव को PM के लिए भेज दिया गया है, साथ ही शव की पहचान कराई जा रही है। शीघ्र ही शव की पहचान कराते हुए PM कराकर अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी। अमेठी में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी फरार हो गया। आरोपी के परिजनों ने पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ाया है। आरोपी और पुलिस के बीच हाथापाई का वीडियो भी सामने आया। पुलिस के चुंगल से फरार आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। कोर्ट के वारंटी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। जामो थाना क्षेत्र गौतमपुर गाँव का ये पूरा मामला। इटावा में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के मद्देनजर सेफा स्थित विशालकाय हनुमान मंदिर पर पार्टी समर्थकों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाकर पूजा अर्चना की जा रही है और मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की कामना को लेकर भी हवन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन से वो गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती है और फिलहाल वो CCU वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं, यानी कि हालत ज्यादा गंभीर है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। राज्यपाल आज सुबह केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनको भगवान केदार का प्रसाद भी भेंट किया। इस मौके पर मंदिर समिति कार्य अधिकारी RC तिवारी, पुजारी टी गंगाधर लिंग और सहायक अभियंता गिरीश देवल, केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला, विपिन तिवारी तमाम लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।